तो गाइस आज इस वीडियो में बताऊंगा कि VN ऐप से आप 4K स्टेटस या फुल स्क्रीन व्हाट्सएप स्टेटस आप कैसे बनाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको फुल ट्यूटोरियल आपको मैं आपको बात करूंगा या आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है। बिल्कुल आसान तरीके से आप कर पाओगे, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखोगे तो ही आप आसानी से कर पाओगे इसी तरह का स्टेटस बनाना 4K या फुल स्क्रीन। आप बिना स्किप आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी यहाँ पे मालूम नहीं होगा, तो इसीलिए कहता हूँ स्किप करके, बिना स्किप करके वीडियो को देखो। तो देखने के बाद आपको बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाओगे और आप बहुत ही खूबसूरत एक वीडियो होने वाला है। और जो भी ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे यूज करूंगा, आपके पास VN ऐप नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। और जो भी यहाँ पे मैं वीडियो ऑडियो जो भी है, मैं जो भी ट्यूटोरियल यूज करूंगा सब कुछ मैं यहाँ पे वीडियो के नीचे टाइटल में दे दूंगा, आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देख लीजिए, तो मैंने इसी तरह का वीडियो आपको कैसे एडिट किया, तो इसी तरह का वीडियो आप कैसे एडिट करोगे आपके मोबाइल में VN ऐप से। जी हाँ दोस्तों, VN ऐप से बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाओगे और बहुत ही न्यू ये वीडियो होने वाला है। तो आप जो भी सोशल मीडिया पे आप अपलोड करोगे बहुत ही अच्छा खासा रेस्पॉन्स आएगा, या इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा लाइक आएगा, अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी आएगा। तो आप इसी तरह का वीडियो कैसे एडिट करना है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो ही रिक्वेस्ट है हमेशा का। सबसे पहले तो अभी तक आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे साथ में जो एक घंटी का बटन आ रहा है यहाँ पे आपको दबा देना है। उसका फायदा है कि कल परसों मेरा जो भी इसी तरह का नया नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपके मोबाइल में फ्री में नोटिफिकेशन आ जाएगा और मेरे वीडियो को आप सबसे पहले बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ आपका भाई आपका दोस्त साहिल। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल साहिल फॉर यू में। तो बिना रुके चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम यहाँ पे देख सकते हो फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो मेरा साहिल4u504 यही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मैं जब भी यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे अपडेट वगैरह देता रहा हूँ, तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे पहले आपके मोबाइल में VN ऐप को ओपन कर लेना है। VN ऐप नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा एंडिंग में आप VN ऐप कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, और जो भी मैं ट्यूटोरियल यहाँ पे यूज़ करेंगे सब कुछ मैं कहाँ से डाउनलोड करना है मैं एंडिंग में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे VN ऐप ओपन कर लेता हूँ, तो आप भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकना है, रुकने के बाद यहाँ पे एक ऐड आएगा तो आपको देख सकते हो इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे जो प्लस आइकन दिख रहे हो इस प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन दिख रहे हो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन मिलेगा और फोटो का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो वीडियो लेना फोटो लेना है एक, आप फोटो से एडिट करना चाहते हो 4K स्टेटस बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो लेता हूँ। यहाँ पे आपको मैं जो यहाँ पे जिस फोटो को यूज़ करूँगा मैं इस फोटो का लिंक भी दे दूँगा, और नहीं तो आपका खुद के फ़ोटो से भी आप एडिट कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने फ़ोटो ले लिया, तो यहाँ पे राइट सीन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे राइट कर दिया। और सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा हो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ओरिजिनल पर। ओरिजिनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो 9:16 दिख रहे हो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे आपको फ़ोटो में थोड़ा यहाँ पे अपने साइज से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मैंने जूम कर लिया, तो आप भी कर लेना है। तो करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एंडिंग में आना है और यहाँ पे एक फालतू पार्ट होगा, इस फालतू पार्ट को डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटो में क्लिक कर देना है और एंडिंग में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे एक जूम का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको जूम पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आप देख सकते हो, मूव लेफ्ट और मूव राइट। यहाँ पे मैं मूव यहाँ पे लेफ्ट देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो लड़की मूव लेफ्ट से यहाँ पे अपने आप ही चल रहा है, तो यहाँ पे मूव लेफ्ट यहाँ पे राइट पे दोगे तो राइट साइड से लड़की यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे मैं मूव लेफ्ट पे देता हूँ, तो आप दोनों से एक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो वीडियो का ड्यूरेशन है आप कितना सेकंड में करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे 15 सेकंड कर लेता हूँ। आप जो भी 30 सेकंड भी कर सकते हो व्हाट्सअप स्टेटस के लिए, तो रील्स पर आप 15 सेकंड ही, या फिर मैं 15 सेकंड कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम पर 15 सेकंड या ज़्यादा नहीं होता तो इसीलिए मैं 15 सेकंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 15 सेकंड कर लिया, तो अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा, एक टैप टू म्यूजिक और एड टैप टू, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे नीचे जो टैप टू एड स्टिकर, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो फोटो का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको वीडियो पे जाना है, और यहाँ पे मैं जो भी वीडियो यूज़ करूँगा सब कुछ मैं डिटेल आपको यहाँ पे कहाँ से डाउनलोड करना है मैं एंडिंग में बताऊँगा, तो आप सारा यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो बड़ा करने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो पे जो वीडियो लिया आपने वीडियो पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको आना है ब्लेंडिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, तो ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देख सकते हो स्किन का एक ऑप्शन मिलेगा, तो स्किन पे आपको क्लिक कर देना है और राइट पे क्लिक कर देना है, और फिर से आपको सेम प्रोसेस से यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी जो आपका जो ऑडियो है, जो म्यूज़िक है, जो मैं यहाँ पे जो म्यूज़िक यूज़ करूँगा, तो इस म्यूज़िक को आपको वो मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं म्यूज़िक ले लेता हूँ, तो आप वो ले लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे ये म्यूज़िक लेना है, तो यहाँ पे म्यूज़िक भी आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं बड़ा कर लेता हूँ उसको। तो बड़ा करने के बाद सेम प्रोसेस से आपको यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ब्लेंडिंग जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे स्किन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपने साइज से कहाँ पे यहाँ पे आप रखना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं मिडिल पे रख दिया। तो अभी आपको क्या करना है, इस ऑडियो को साउंड आपको कैसे लाना है, तो आपको ऑडियो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे साउंड का ऑप्शन मिल गया वॉल्यूम, वॉल्यूम पे क्लिक कर तो देख सकते हो अभी कितना यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे चालू करके। आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए जो यहाँ पे जो सेम प्रोसेस है, थर्ड नंबर पे जाना है, यहाँ पे स्टिकर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे सास बार पे आपको नियॉन सास करना है। तो नियॉन सास करने के बाद इसी तरह का एक बॉर्डर आएगा, तो यहाँ पे आपको बॉर्डर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इसी तरह का। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है, और राइट पे क्लिक करने के बाद आपका जो वीडियो है, वीडियो का ड्यूरेशन जितना है, आपका जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को भी यहाँ पे 15 सेकंड कर लेना है, या आपका जो भी वीडियो का ड्यूरेशन है यहाँ पे अपने साइज से कर लेना है। तो करने के बाद अभी देख सकते हो गया पूरा वीडियो यहाँ पे, तो कितना यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको आपको कैसे एक्सपोर्ट करोगे, सेव करोगे, तो यहाँ पे सेव करने के लिए यहाँ पे जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे 1080 भी सेव कर सकते हो, 720 भी सेव कर सकते हो, यहाँ पे आपके मन मर्जी से यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे सेव अपने आप ही सेव हो जाएगा। तो बस आपको जो यहाँ पे जो मैंने ट्यूटोरियल यूज़ किया, वीडियो फोटो जो भी यहाँ पे यूज़ किया, तो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के एंडिंग में बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यूट्यूब में जाना है, जाने के बाद आपको क्या करना है, मेरे वीडियो के नीचे जो टाइटल है यहाँ पे, जो टाइटल पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑल लिंक यहाँ पे दे दूंगा, आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।